कंगना रनौत की फिल्म थलाई भी 10 सितंबर को सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल नहीं दिखा सकी, मगर हालात के मद्देनजर इस बात को समझा जा सकता है। इसके बाद फिल्म पिछले हफ्ते नेटफ्लिक्स पर आ गई, जहां लगातार नंबर वन पर बनी हुई है। और इसी वजह से कंगना को लगता है कि अगर ये फिल्म महामारी से पहले सिनेमा घरों में आती तो बॉक्स ऑफिस पर कमाई के रिकॉर्ड बना सकती थी। कंगना अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में लोगों के कमेंट्स और प्रतिक्रियाएं शेयर कर रही हैं, कुछ के जवाब भी दे रही हैं। इसी बीच कंगना ने नेटफ्लिक्स ऐप का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा, लगातार टॉप पर रहना कोई छोटी बात नहीं है। निसंदेह प्री कोविड काल में यह फिल्म सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए हाईएस्ट ग्रॉसर फीमेल सेंट्रिक फिल्म बनती जो मेरी ही है। कंगना यहां अपनी तनु वेड्स मनु रिटर्न्स की बात कर रही हैं, जिसने 152 करोड़ का कलेक्शन किया था। आनंद एल राय निर्देशित 2015 में आई थी। कंगना ने इस फिल्म में डबल रोल निभाया था। फिल्म में आर माधवन लीड रोल में थे। थलाइवी का निर्देशन एएल विजय ने किया है। तमिल सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री और राज्य की 6 बार मुख्यमंत्री बनी जयललिता के जीवन की प्रमुख घटनाओं पर बनी फिल्म में कंगना जया और अरविंद स्वामी जीआर के रोल में हैं, जिन्हें फिल्म में एमजेआर कहा गया है। थलाइवी नेटफ्लिक्स पर सिर्फ हिंदी में रिलीज हुई है। फिल्म का तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम रूपांतरण अमेजन प्राइम वीडियो पर 10 अक्टूबर को आ रहे हैं। आने वाले महीनों में कंगना धाकड़ और तेजस में नजर आएंगी। धाकड़ एक एक्शन प्रधान फिल्म है, जिसमें कंगना स्पाई एजेंट के रोल में हैं। वहीं तेजस में वो भारतीय वायुसेना की फाइटर पायलट बनी हैं। इसके अलावा इंदिरा गांधी और इमरजेंसी की घटना पर वो एक फिल्म का ऐलान कर चुकी हैं। बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट की खबरों के लिए देखते रहिए एबीवी एंटरटेनमेंट।